अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके कड़कनी बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, नॉन ऑयली और एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप चीनी ली है, पीसी हुई चीनी, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3/4 यानी कि 3/4 कप मिल्क यानी कि दूध। अब मैं यहाँ पर चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब एक परात लेंगे और उसमें मैंने लिया है 2 कप मैदा और 1/2 कप बारीक सूजी। इसी में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून नमक और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी को अच्छे से गरम कर लिया है और मैदे में ऐड कर लेंगे। इसे हमें मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप ऐसे हाथ से रगड़ रगड़ के इसे मिक्स कर ले। जब ऐसी मैदे की गुठली बनना स्टार्ट हो जाए तो मतलब घी अच्छे से मिक्स हो गया है मैदे में। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध और चीनी का मिक्सचर जो बनाया था वो ऐड करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसे अच्छे से नीड करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून दूध मेरा बच गया था तो मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी, साइड में रख दूँगी। अब इसे एक गीले मलमल के कपड़े से 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे। अब 1/2 घंटे बाद इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए हाथ से गूंद लूँगी। अब ऐसे अच्छे से गूंदने के बाद हम इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। आप जिस साइज़ की चाहे उस साइज़ की कड़ाखनी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की गोल कड़ाखनी बनाने वाली हूँ। अब एक बॉल लेंगे और उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। अगर ये चिपकने लगे तो बीच बीच में आप सूखा आटा भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। सूखा आटा लगाने के बाद फिर से इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, इतना पतला कि इससे आपकी जो उंगलियाँ है वो भी हल्की हल्की दिखनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा पतला बेल लिया है। इसी तरह से सारी कड़ाखनी को मैं बेल लूँगी। अब यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गरम करके रखा था। बहुत ज़्यादा गरम भी, तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ही होना चाहिए। अब इसे एकदम लो फ्लेम पर मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आते ही हमें इस कड़ाखनी को निकालना है। इसी तरह से सारी कड़ाखनी फ्राई कर लेनी है। अब यहाँ पर कड़ाखनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।